I am Rahul Mertia language trainer and motivational speaker. So, welcome to our channel, English Brand Institute. You know very well that we have been providing you English speaking classes. Uh, through English speaking classes, you can be a good speaker. So, that's why uh, I would like to tell you that I have come with all these sentences. These are very important sentences that can be used in your day to day life. Actually, uh, what we do whenever we speak with people, the time वी फगेट ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसिस दीज सेंटेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक सो इन सेंटेंसेज को आज समझने के लिए मैं आपके सामने इस लेक्चर नंबर थ्री में स्वागत करता हूँ देखिए सबसे पहले जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है खासतौर पर आम जीवन में हमारे सामने एक घटना होती है और एक बात होती है और एक सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस कैसा होता है जब हम कई बार बोलते हैं कि जो ही उसने ये किया और उसके बाद ऐसा हुआ जो ही वह यहाँ आया उसके बाद ये हुआ इस सेंटेंस को समझते हैं नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन एवरी वन बी साइलेंट जो ही वह कमरे में आया सभी साइलेंट हो गए इसी तरीके से हम अलग दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे नो सूनर डिड ही टेक माई सेल्फोन नो सूनर डिड ही टेक माई सेल्फोन देन आई सा इन हीज आइज ठीक है तो इसी प्रकार से नो सुनर से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं जैसे कि माई फादर इज गेटिंग लेट यानी मेरे पिताजी लेट हो रहे हैं कई बार हम कहते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ आई एम गेटिंग लेट वह लेट हो रहा है ही इज गेटिंग लेट तुम लेट हो रहे हो यू आर गेटिंग लेट यहां पर गेट एक कंडीशन को शो करता है जब कंडीशन चेंज हो रही है तो इस गेट का यूज कर सकते हैं लेट के साथ में अपन अगला सेंटेंस देखिए एज लॉन्ग एज आई एम हियर एज लॉन्ग एज के लिए हम कहते हैं जब तक एज़ लॉन्ग एज़ आई एम हियर यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है इसी की तरह दूसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे एज लॉन्ग एज आई एम इन जयपुर यू डोंट नीड टू गो एनी वेयर जब तक मैं जयपुर में हूँ तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग यू यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनी सब्जेक्ट ओके इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की अगर अपन बात करें कई बार हम किसी चीज़ का वेट करते हैं बस स्टैंड पे टैक्सी स्टैंड पे जहाँ भी हम आ, वेट करते हैं और उसी चीज़ का वेट करते हैं, वो चीज़ जैसे ही दिखाई देती है तो हम बोलते हैं आ, लो ये आ गया या लो ये साधन आ गया या, या कोई व्यक्ति आ गया जैसे लिखा हुआ है कम्स द टैक्सी इसका अर्थ है कि ये लो टैक्सी आ गई ठीक है ही कम्स द बस ये लीजिए बस आ गई ठीक है इसी के अलावा जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार करते हो ही कम्स मोहन ये लो मोहन आ गया ठीक है इसके बाद अगले सेंटेंस पे आते हैं अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है सी रिजेंबल्स हर फादर लिखे हुए सेंटेंस में रिजेंबल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की सकल मिलना हु बहु सकल मिलना जैसे कि इसमें लिखा हुआ सी रिजेंबल्स सी रिजेंबल्स हर मदर वह अपनी मम्मी में मिलती है यानी कि उसकी शकल अपनी मम्मी में मिलती है सी रिजम्बल्स करीना कपूर वह करीना का, करीना का में मिलती है जैसे ही रिजम्बल्स अमिताभ बच्चन वह अमिताभ बच्चन में मिलता है तो ये सेंटेंसेस वो हैं वे सेंटेंसेस हैं जिनके माध्यम से आप अपनी भाषा को एक सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ मजबूती दे सकते हैं इसके अलावा आज हम स्पोकन इंग्लिश के इस दायरे में अगली चीज़ सीखने वाले हैं टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अबाउट टू देखिए अबाउट टू का जो यूज होता है वो किसी भी एक्शन का अभी थोड़ी ही देर बाद में होने को दर्शाता है जैसे कि कई बार कोई कैंडिडेट आपको कहे कि आओ अपन बाहर चलते हैं ठीक है तो आप थके हुए आपने कहा कि मैं तो यार सोने वाला हूँ यानी कि ये बोला अभी है और ये काम जस्ट थोड़ी देर बाद में आप करेंगे मैं खाना खाने वाला हूँ मैं पढ़ने वाला हूँ मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ इस प्रकार की जो बात है वो अगर हम प्रजेंट की बात करें अगर हम प्रजेंट की बात करें तो मैंने बोला आई इसके बाद लिख दिया एम और अबाउट टू आई एम अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसके साथ यूज़ करते हैं जैसे मैं जाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश ठीक है मैं खाना खाने वाला हूँ एम अबाउट टू ईट फूड आई एम अबाउट टू टेक फूड आई एम अबाउट टू टेक माई लंच ठीक है इसी की जगह अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है तो ही लगाएंगे एम ने लगाकर ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर होने के नाते आपने इज लगाया आगे की जो भी बातचीत है उसको एज इट इज लिखा ठीक है वह इंग्लिश बोलने वाला है ही इज़ अबाउट टू स्पीक इंग्लिश ठीक है वह इंग्लिश ब्रेन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने वाला है इज़ अबाउट टू सब्सक्राइब इंग्लिश ब्रेन इंस्टीट्यूट ठीक है वह ज्वाइन करने वाला है ही इज़ अबाउट टू ज्वाइन अगर इसी चीज़ को आप पास्ट की दृष्टिकोण से समझें तो अगर मैं कहूँ कोई कैंडिडेट अगर आपको कहे कि आओ ये काम करने चलते हैं और आपने कहा यार मैं तो वहाँ जाने ही वाला था जाने ही वाला था यानी कि आई वॉज़ अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं इंग्लिश बोलने वाला था आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश ठीक है मैं आपको कॉल करने ही वाला था आई वॉज़ अबाउट टू कॉल आई वॉज अबाउट टू कॉल बोल सकते हैं आई वॉज अबाउट टू मेक यू कॉल भी बोल सकते हैं आप कहते हैं कि मैं आपको आ, मैं आपको उस मैटर के बारे में बताने ही वाला था आई वॉज़ अबाउट टू टेल अबाउट दैट मैटर आई वॉज आई वॉज़ अबाउट टू टेल दैट मैटर ठीक है इसी के बाद में अगर थर्ड पर्सन के लिए आपने ही लगाया वोज लगा देंगे ही वॉज अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वह यहाँ आने ही वाला था ही वॉज अबाउट टू कम ह्यर ठीक है और हम पढ़ने ही वाले थे हम पढ़ने वाले थे वी वर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मजबूती तभी दे सकती हैं जब आप इन सारी चीज़ों को व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इफ़ यू आर सीटिंग अ डोंट थिंक दैट डोंट थिंक अबाउट इट दैट आई डू नॉट हैव एनी पार्टनर विद होम शुड आई स्पीक यू जस्ट स्पीक अ आप अपने साथ अकेले बोलिए यू गो इन फ्रंट ऑफ एनी कैमरा यू गो इन फ्रंट ऑफ मिररर एंड वेर यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू से जो आप बोलते रहेंगे चीज़ें आप सीखते जाएंगे uh, चीज़ों को लगातार समझे सीखे अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी बताएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच